जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस द्वारा गोकशी के वांछित अभियुक्तों को दिनांक 4/6/2024 की बीती रात को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से 2 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर में चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार। न्यूज़ 27 भारत की ओर से संवाददाता नितेश बग्गा की खास रिपोर्ट। आज दिनांक 4/6/2024 को जरी मुखबिर सूचना पर थाना लोनी पुलिस टीम के द्वारा निठोरा अंडरपास के पास सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अशोक विहार से निठोरा की तरफ 2 अज्ञात बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो यह बाइक मुड़ाकर भागे। पुलिस टीम द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो यह गड्ढे की तरफ अपनी बाइक मुड़ाए, जिससे उनकी बाइक फिसल गई और गिर गए तथा इनके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ इनके फायरिंग की गई, जिसमें इनके पैरों में गोली लगी। नाम पता पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनके नाम क्रमशः शकील तथा छोटू जान मोहम्मद है, जो थाना क्षेत्र लोनी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि आज सुबह जो गोकशी घटना कारित की गई इनके द्वारा ही कारित की गई थी, जिसमें इनके अन्य भी साथी थे। इनके आपराधिक इतिहास में पता किया गया तो शकील पूर्व में भी गोकशी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इनके पास से 2 देसी तमंचा 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा 1 स्प्लेंडर बाइक जिसपे गोकशी के सामान, रस्सी तथा अन्य चीज बरामद हुई है। इन संबंध में इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।